नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उस्मान सैफी जी, जिनको आप भली भांति जानते होंगे, जो कि हमारे जैसा चैनल है इनका भी, और चैनल का नाम है उस्मान सैफी सफ़र, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है चैनल को खड़ा करने में भी। और उस्मान सैफी जी अपने जीवन में भी कुछ ऐसा काम कर गए हैं जो नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज उस्मान सैफी जी अपने वहाँ से मेरे पास मिलने के लिए सौंद गांव में आए हैं, और मैं बहुत ही अपना बड़ा भाग्य समझता हूँ जो उस्मान सैफी जी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो फिलहाल मैं घर पर ही हूँ, तो इसलिए देखने के लिए उस्मान सैफी जी मेरे पास आए, और मैं बहुत ही भाग्य समझता हूँ अपना कि मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ हैं उस्मान सैफी जी। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और क्योंकि आपको अभी हाल ही में YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिला है जी, और मैं जैसे देख रहा हूं कि आप काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और अभी पीछे मुझे जब पता चला कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हालांकि आपने वादा किया था आने का, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपसे मिलने के लिए मुझे आना चाहिए जी, इसके लिए क्षमा करें। और आपने इतना सारा प्यार जो दिया है अपने इस आंगन में, ये दोस्तों आंगन है, अगर मैं मुझे परमिशन हो मैं पूरे घर को दिखा दूं उसे, ये बहुत ही प्यारा सा आंगन है। हम एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये पीछे एक दीवार है, लेकिन इसको क्रोमा शूट करके मतलब काट के अलग कर देंगे, और यहीं से ये सारी वीडियो बनाते हैं। बाकी कमाल के इंसान हैं जी, कमाल के तो उस्मान जी आप हो, जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने प्लेटफॉर्म को उन ऊँचाइयों पर पहुँचाया जहाँ पर पहुँचने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इस लाइन में बहुत ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं और नहीं पहुंच पाते हैं उस जगह तक जहां पर आप एक साल में पहुंचे। कहा है कि किसी ने लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। अगर हम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन के साथ, पूरी तैयारी के साथ अगर लग जाएं किसी भी काम को करने के लिए, तो कामयाबी फिर आपके कदम चूमेगी, और जो लोग आपकी मजाक बनाते हैं फिर वही आपके साथ आएंगे सेल्फी खिंचवाने के लिए जी, बिल्कुल, कहेंगे कि भाई आज एक फोटोग्राफ्स करा दीजिए, अच्छा लगेगा उन्हें भी और आपको भी जी, बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी एक हाल ही में एक स्टोरी सुनाई थी क्राइम से संबंधित, शबनम वाली स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई थी, और उसमें उस्मान जी का बहुत बड़ा एक रोल था, एक छोटे सी जान को यानी कि एक बच्चे को नई जिंदगी देने का, उसको इस संसार में एक आत्मसम्मान से जीने का रोल देने का, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। दरअसल बात ये थी कि जो शबनम है, जिसने अपने सारे परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया था प्यार की खातिर, उनका बच्चा था जो कि जेल में पैदा हुआ था, उनको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था, और उस्मान सैफी जी वहाँ पर पहुँचे थे, और इन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई उस बच्चे का क्या कसूर है, माँ बाप ने जो भी कुछ किया है वो माँ बाप के ऊपर है, लेकिन बच्चे का क्या कसूर है जो उसको मतलब ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इन्होंने उसको गोद में लिया था, यानी कि उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया था, और उसी के बारे में आज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उस्मान जी से। उस्मान जी, मतलब उस बच्चे को जैसे गोद लिया था आपने, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था गोद उसको, तो आपको क्या मची थी आपने उसको गोद लिया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। असल में ये घटना थी सन 2008 की। अच्छा जी। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी, उसमें एक 9 महीने का बच्चा भी शामिल था। जब पुलिस ने इस लड़की को जेल भेजा तो पुलिस भी नहीं जानती थी और वो खुद लड़की भी नहीं जानती थी कि वो 2-2.5 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है। हाँ। जब मेडिकल होता है या किसी को जेल भेजते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि इसको एक बच्चा है पेट में, लड़का है लड़की है तो फिर किसी को नहीं पता था। लेकिन भारत सरकार का एक नियम है, कानून है, कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको फिर एजुकेशन हासिल करनी है। हाँ, बिल्कुल। अब शिक्षा के लिए, शिक्षा का अधिकार है सबको कानूनी तौर से, अब जेल में रहकर तो वो शिक्षा ले नहीं सकता था। गवर्नमेंट चाहती थी कि उस बच्चे की परवरिश हो, एक सामान्य परिवार में वो जाना चाहिए। यदि कोई सामान्य परिवार का लेने के लिए उसे नहीं आएगा तो फिर जो गवर्नमेंट की और प्रक्रियाएं होती हैं, हाँ। कहीं आवासीय स्कूल वगैरह बने होते हैं वहाँ भेजते हैं जी। लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उसको वाकई एक ऐसे परिवार की ज़रूरत थी जो उसकी परवरिश कर सके। 6-7 महीने लग जाते हैं लेकिन उस बच्चे को लेने के लिए कोई परिवार आगे ही नहीं आता है। लगातार अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे। उन दिनों मैं चाहता था कि उस लड़की पर एक किताब लिखना,
किताब तो मैं नहीं लिख पाया, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि इसको एक बच्चा है और उस बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है। अच्छा जी। तभी मैंने ये फैसला किया कि भाई उस बच्चे को लेते हैं। हालांकि उसको लेने में बहुत ज़्यादा मशक्क़तें करनी पड़ी। 3 साल लगभग मुझे जेल के चक्कर काटने पड़े थे और 3 साल के बाद तब जाके कहीं ना कहीं उसकी माँ उस बच्चे को देने के लिए तैयार हुई। आज वो हमारे साथ है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है जी। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के अच्छे स्कूल में उसकी एजुकेशन हो रही है और उसके अलावा हमारे पास अपना कोई बच्चा भी नहीं। उस्मान जी, सुना है कि जैसे आपने बच्चा गोद लेने की अपने घर वालों को बताया था और आपकी सगाई हुई पड़ी थी, तो वहाँ उनका रिएक्शन कैसा था उस समय? सगाई तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक लड़की से बात चल रही थी। अच्छा जी। तो उससे जब बात चल रही थी तो उस लड़की को जब पता चला कि मैं शबनम के बच्चे को गोद ले रहा हूँ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगा इस बात को। अच्छा जी। लेकर और वो शादी को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं हुए, साफ इनकार कर दिया था कि शादी वादी नहीं करनी है। अच्छा। इसके अलावा मैंने एक दो जगह और कोशिश की कि वो कोई शादी के लिए तैयार हो जाए, तो कोई लड़की शादी के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में मेरी अपनी एक दोस्त हैं जिनका नाम वंदना है, मैंने उनसे कहा कि ऐसे से मुझे एक बच्चा लेना है, तो वो शादी के लिए तैयार हो गई और हमारी एक फैमिली बन गई। अच्छा जी। वंदना से आपकी दोस्ती कब हुई थी और किस तरह से हुई थी, थोड़ा सा बताएं। पहली बार हमारी मुलाकात 23 दिसंबर 2008 को हुई थी। अच्छा जी। मैं उन दोनों दैनिक जागरण अखबार के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, एजुकेशन बीट देखता था, शिक्षा विभाग की रिपोर्टिंग किया करता था। तो मैं स्कूलों में जाता था, दफ्तरों में जाता था, बस न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए। अच्छा जी। तो मैं कई स्कूलों में गया, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा सा ना तो टीचर पढ़ाई में कोई दिलचस्पी लेते दिखाई दिए, बच्चों को जो सरकार की तरफ से खाना मिलता है उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। विद्यालय में साफ़ सफाई को लेकर भी कई स्कूलों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं जी। तो मैं अचानक ही एक स्कूल में चला गया था, वो था कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। अब एक 6th या 7th क्लास की बात है, उसमें बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ रही थी और एक मैडम पढ़ा रही हैं। तो मैं पीछे वाले कमरे में, मतलब पीछे दरवाजे में अंदर गया, चुपचाप जाके बैठ गया। अच्छा जी। मैडम को बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन कब तक पता नहीं चलता, जब बच्चों ने आपस में कंसंट्रेशन टूटने लगा पढ़ाई से, क्योंकि एक अनजान वो भी लड़का लड़कियों के बीच में आकर बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैडम ने जब देखा तो उन्होंने अपना चैप्टर पूरा करने के बाद तब पूछा कि बताइए। मैंने सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगी कि भाई बिना इजाज़त के मैं आपकी क्लास में अंदर आ गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और तभी मैंने पूछा कि मैं क्या कुछ बच्चों से सवाल कर सकता हूँ। तो मैंने सवाल जब बच्चों से किए तो सब ने अच्छे जवाब दिए, और दूसरा ये कि क्लास में मैडम पूरी ईमानदारी से पढ़ा रही थी। मैंने पिछला रिकॉर्ड चेक किया बच्चों का कि अच्छा। जब हम कोई होमवर्क करते हैं तो उसका चेक करती हैं मैडम, और उसमें वाकायदा सिग्नेचर के साथ तारीफ भी डाली जाती है। तो मुझे ये पहला स्कूल ऐसा लगा कि जहाँ पर खाना भी ठीक मिल रहा है, वहाँ पढ़ाई भी ठीक हो रही है, साफ़ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तभी मैंने मैडम को सैल्यूट किया उनके काम के लिए, और वो सैल्यूट जो कहीं ना कहीं उन्हें इम्प्रेस कर गया, और यहीं से हमारी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती प्यार में तब बदलती है जब हम इस बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, और वो प्यार फिर शादी में बदल जाती है, और मैं आज तक वो मुझे झेल रही हैं। अच्छा जी। हाँ। चलो, झेलना तो नहीं कहेंगे उस्मान जी। एक सवाल और उठता है, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन थोड़ा पूछना चाहूँगा जी। जैसे मतलब वंदना जी हैं, हिंदू हैं, आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग रखते हैं, तो क्या घर वालों ने विरोध नहीं किया था, पड़ोसियों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने और समाज वालों ने, या फिर मामला ऐसे ही सिलट गया था? देखो, मामले इसमें विवाद वाली कोई बात ही नहीं बनती है। अच्छा जी। विवाद तब बनता जब हम दोनों का निजी स्वार्थ, हम हाँ। लोगों की मोहब्बत ही होती आगे। हाँ। लेकिन हमारा स्वार्थ था उस बच्ची की परवरिश करना। जब मैंने ये मकसद उन्हें बताया कि हमें एक बच्चा लेना है, उसकी हमें परवरिश करनी है, उसको माँ बाप की ज़रूरत है, गवर्नमेंट देना चाहती है, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे माँ बाप नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। सही बात है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उस बच्चे के लिए एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। अच्छा जी। तो जब ये बात उनके माता पिताजी को पता चलती है, और यही बात जब हमारे माता पिताजी को पता चलती है, तो हमारे माँ बाप सोच कर हैरान थे, लेकिन उनके माँ बाप ने अपनी ही बेटी को न केवल सैल्यूट किया बल्कि मुझे भी उन्होंने मान सम्मान दिया। अच्छा। कि तुमने लीक से अलग हट कर काम किया है और तुम अच्छे, मतलब हमें हमारे इस कार्य की सराहना की उन्होंने। अच्छा। इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं आई थी। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद हमारे घर वाले, हमारे परिवार के लोग उतने ज़्यादा दूरदृष्टि नहीं थे जितने क्या उन लड़की वालों के परिवार वाले दूरदृष्टि नहीं थे। अच्छा। कि एक बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए इन्होंने एक अनोखा काम किया है, अद्वितीय काम किया है। यानी कि सभी की सहमति थी फिर तो, बाद में सभी की सहमति। अगर हम लोग सिर्फ अपने एक दूसरे को अपने एक दूसरे से मोहब्बत करने की वजह से अगर ये फैसला लेते तो शायद ये शायद अलग होता, अलग हो जाता।
और उस्मान जी एक बात ये है कि जैसे आपने बच्चा ना करने का मतलब पैदा ना करने की जो एक कसम सी खाई है उस बच्चे की परवरिश करोगे, तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसा तो मतलब ठीक नहीं है, हो सकता है आगे समय बदल जाए और आजकल अपने ही रोटी ना देते हैं बुढ़ापे में, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मतलब आपको बच्चा पैदा करना चाहिए, कुछ लोगों का ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार, होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मैंने ये वंदना जी से बातचीत की थी, हमारी शुरुआत हुई थी, हाँ जी, एक नई जिंदगी में, एक नई दुनिया में हमने कदम रखा था, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर आप इस बच्चे को लोगे तो फिर मैं कोई अपना बच्चा पैदा नहीं करूँगी। अच्छा। मैं इस बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करना चाहती। ऐसे बच्चे चाहें और तुम एक नहीं, चार नहीं, 10-20 ले लो, लेकिन अपना बच्चा नहीं। अच्छा जी। तो अब वो उनका फैसला था और मैंने उसी वक्त ये वादा कर दिया था कि ठीक है अपना बच्चा नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैं उस वादे को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब भले ही चाहे रोटी भविष्य में मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, वादा करना भी जरूरी है, क्योंकि जब शादी की बात आई थी तो कोई लड़की आसानी से तैयार नहीं थी, यही तैयार थी, तो इसलिए उनकी बात माननी जरूरी है। वैसे उस्मान जी, ये सबसे एक अलग अनोखा काम है जो मतलब पूरी जिंदगी का एक फैसला ले लेना, एक दूसरे बच्चे के ऊपर अपने बच्चे पैदा ना करना और दूसरे की जिंदगी को संवारना, ये आपका बहुत ही सराहनीय है वर्क जो भी आपने किया है, और लोग भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं कि उस्मान जी हमारे दोस्त हैं। इस बात से कल की बात बताऊँ आपको, ऐसा हुआ कल हमारे घर पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मिस्त्री ने कहा कि घर पर तो कोई है नहीं, बच्चे तुम्हारे मायके गए हुए हैं जी और तुम बाहर जाओगे, तो ऐसे कंडीशन में घर पे कौन रहेगा? तो मैंने उनसे पता क्या कहा था, हाँ, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? अच्छा जी। सब कुछ यहीं रह जाना है। अच्छा, इंसान तो एक बुलबुला है ना, पानी के बुलबुले की तरह जी, तो क्या लेके जाएगा और क्या लेकर आया था? तो अगर यदि आपको 1000 साल जीना है, 2000 साल जीना है, ये कहते हैं ना कि भाई तुम तो 1000 साल जियोगे, हाँ, तो वो 1000 साल ऐसे ही जीते हैं, जो इतिहास बनाते हैं वो 1000 साल जी जाते हैं। सही बात। आज भी हम पृथ्वीराज चौहान जी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, और भी देश में बहुत सारे इतने महापुरुष रहे हैं, गांधी जी को, कितने लोगों को बाय नेम जानते हैं, हमने दिखा ही नहीं था उन्हें। हमें जो उनकी पहचान हुई है वो उनके अच्छे कर्मों की वजह से हुई है जी। इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हम जिंदगी भले चाहे 80 साल की हो या 60 साल की हो, लेकिन हमारे कर्मों से हमारी पहचान 1000 साल तक या उससे ज़्यादा रहनी चाहिए। सही बात है, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। एक सवाल और उठता है उस्मान जी, बहुत सारे लोग आपको YouTube पर देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई इनके घर में जो वाइफ है वो हिंदू हैं और उस्मान जी मुस्लिम हैं, तो घर में किस चीज़ की पूजा होती है? देवी देवताओं की होती है या फिर अपना जो आपका वो है उसकी होती है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंसानियत की पूजा होती है। अच्छा जी। यहाँ इंसानों को तरजीह दी जाती है। अच्छा अच्छा। और धर्म का पूरा मान सम्मान है, ऐसा नहीं कि बिना धर्म के इंसान अधूरा होता है जी, तो धर्म का मान सम्मान पूरा है, उनकी अपनी खुद की स्वेच्छा है, वो जो भी मानना चाहें वो माने, और मैं क्या मानता हूँ मेरी स्वेच्छा है, ना मेरी मर्जी उन पर थोपी जाती है, हाँ, ना उनकी मर्जी मुझ पर थोपी जाती है। अच्छा जी। हमें एक जिंदगी को आगे बढ़ाना है, हमें अवरोधक पैदा नहीं करने हैं, बस मतलब मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर रहना है, वो अपना चाहे वो पूजा पाठ करें जो मन में, और आप अपना भी करें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस्मान जी की जैसे स्टोरीज वगैरह आती हैं तो यहाँ पर ना ही ये पक्षपात ये करते हैं कि भाई मुसलमानों की कोई स्टोरी है तो उसमें कुछ कम दिखाएँ या बढ़ चढ़ कर दिखाएँ, मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ पर पक्षपात नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं जैसे कोई मुस्लिम अगर किसी का चैनल है तो मुस्लिम का वो कंटेंट नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर उस्मान जी सबको बराबर लेते हैं। यह एक सबसे अच्छी चीज़ इनके अंदर हमें दिखाई दी थी और इसीलिए हम इनके फैन बने थे। क्या ऐसा ही है उस्मान जी? क्राइम करने वाला अगर उसे धर्म से जोड़ के देखोगे तो भी गलत बात है। सही बात है। क्राइम किया है उसने तो उसकी कहानी को पब्लिक के सामने बताया जाए, और कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ कुछ और नहीं होता है बल्कि जागरूक करना होता है, सचेत करना होता है, ताकि जो हुआ है पास्ट में ऐसा फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। छोटी छोटी बातों पर कहते हैं हल्के सी मुझ पे ताव लगा और झगड़ा हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं, तो बस ये नहीं करना है और इन सब चीज़ों से बचना है, इसीलिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अब कहानी किसकी है ये कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है, बस उसको तलाश किया और सुना दिया। मैंने कभी किसी धर्म या किसी जाति को तरजीह नहीं दी है कि साहब मैं धर्म विशेष की खबरें सुनाई जाएंगी, धर्म विशेष खबरें नहीं सुनाई जाएंगी। ऐसा लगता होगा किसी को तो लगता होगा, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है।
ये बहुत ही अच्छी सुंदरता है आपके विचारों की। और एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ उस्मान जी, जैसे आपने चैनल चलाया और आपका चैनल मतलब बहुत जल्दी ग्रो हुआ था, ये सबको पता है, आपको भी पता है, और उस चैनल को देखते हुए जैसे आपके चैनल का नाम है उस्मान सैफी सफ़र, बहुत सारे लोगों ने सफ़र नाम से बहुत सारे चैनल बनाए हैं और आपकी वीडियोज़ को देख देख कर वो अपना चैनल बना रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यानी कि एक साइड से उस्मान सैफी बनने की कोशिश की जा रही है। अरे नहीं, लोगों ऐसे बात नहीं, सब लोग अपने अपने हिस्से की मेहनत करते हैं और सभी को अपने अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए। और ऊपर वाला एक मिनट मैं बता देता हूँ, उसमें हम भी हैं, उस लाइन में हम भी हैं। अच्छा। मैं किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब लोग मेहनत करते हैं। मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और सब चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि मैं इतना कहूँगा कि आपका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए काम करने का, कि मुझे ये काम करना है। आप दूसरे को देखकर कुछ कदम तो चल जाओगे, लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। अगर लंबी रेस तक चलना है तो अपने अंदर की जो छुपी हुई काबिलियत है उसको तलाश करो और फिर आगे दौड़ने के लिए बहुत बड़ा मैदान है, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ सकते हो। सही बात, यानी कि अपनी लगन से काम करो। हाँ, जो भी काम करना है, ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बेटा अगर IAS बन गया तो मैं अपने बेटे को भी IAS बनाऊं, या पड़ोसी का बेटा IPS बन गया तो उसको देखा देखी, जबकि हमारे बेटे में वो काबिलियत है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें देखकर नहीं, हमें अपने अंदर की छुपी हुई काबिलियत को पहचानना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। बाकी तो ये एक समुद्र है YouTube, Facebook, तो इसमें तो कितने लोग गोते लगा रहे हैं, मैं भी और आप भी। सही, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। उस्मान जी, लास्ट सवाल है आपसे, आप लोगों को कोई शिक्षा देना चाहते हैं कि मतलब किस तरह से कामयाब हों? ज़्यादातर लोग आपको फॉलो बहुत कर रहे हैं, ये मैंने अभी कहा था आपसे, आपको भी फॉलो कर रहे हैं और आपने जो काम किए हैं समाज में रहते हुए उस बच्चे की ज़िंदगी को संवारा है, एक बहुत बड़ा काम है एक तरह से, तो आप इन दोनों साइड से कुछ कहना चाहोगे लोगों से? देखो मैं क्या कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि मेरी जो एक दिनचर्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले उठने के बाद पक्षियों को दाना डालता हूँ, वो भी इतना कि आराम से आज खाया जाए तो खाया जाए, बच जाए तो कल आके भी खाना, ठीक है, इसलिए इकट्ठा उन्हें। उसके बाद फिर और आगे प्रक्रिया बढ़ती है, जितने भी मोहल्ले के मेरे डॉगी हैं आते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ से मुझे खाना मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पेड़ पौधे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, यानी कि जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं उनका मन बड़ा शांत रहता है, और जो नेचर से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर भी उनसे प्यार करता है और उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति होती चली जाती हैं। मेरी कोई बिसात नहीं थी कि एक साल में मैं यहाँ तक पहुँच जाता, मैं एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा था जैसे आम लोग सब जीते हैं, लेकिन एक साल में ही ये ज़िंदगी एकदम उलट पलट हो गई है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी बने, बहुत दूर दूर तक अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का अवसर मिला, और सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो अचानक हो गया हो, उसके लिए बचपन से ही मैं ऐसा था अच्छे नेचर के प्रति। तो आप कम से कम अपने आसपास पानी को बचाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें और जितना भी हो सके इंसानियत को ज़िंदा रखने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान जी। और दोस्तों, हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जो उस्मान जी ने हमें दर्शन दिए, हमारे पास आए, गले लगाया और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं कि भाई इस तरह से काम करो, इस तरह से चलो आगे, और इनका तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से गले लगा लेते हैं। धन्यवाद उस्मान जी। तो ये प्रोग्राम जो था यह अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, हमें आज्ञा दें, और उस्मान जी फिर आते रहेंगे, फिर आपके सामने हम लाते रहेंगे इनका इंटरव्यू, और फिलहाल हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। नमस्कार।